की जानकारी देते हुए गायघाट प्रखंड के अंचलाधिकारी राघवेंद्र कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की खोज कर रही है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने घटना की पूरी जानकारी दी है। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट प्रखंड अंतर्गत बेनीबाद ओपी के अंतर्गत मधुरपट्टी गांव में मौजूद हूं। ये वही मधुरपट्टी घाट है जहां पर ग्रामीण और बच्चे स्कूल जाने के लिए यहां से बैठते हैं और आप देख सकते हैं उस रस्सी के सहारे उस घाट पर उतरते हैं जहां से 100 मीटर की दूरी पर वो बच्चे स्कूल जाते हैं। उस नाव पर लगभग 30 से 35 लोग सवार थे और वहां पर नाविक का अनियंत्रित होकर रस्सी टूट जाता है और नाविक गिर जाते हैं और नाव बहते चली जाती है। उसके बाद वहां नाव पलट जाती है। नतीजतन क्या होता है कि उसमें 10-12 लोग जो सवार थे वो तैरकर बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन उसमें सवार लगभग 12-13 व्यक्ति जो बच्चे भी उसमें शामिल हैं, स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, वो अब तक लापता हैं। उसमें से उस बच्चों में से लगभग 3 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। कल से ही जिला प्रशासन के निर्देश पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के अलावे स्थानीय ग्रामीणों की टीम भी उसके खोजबीन में लगातार लगी हुई है। मैं मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार, डीडी न्यूज़।